क्या देवी देवता होते हैं? क्या देवी देवताओं की साधना की जा सकती है? क्या देवी देवताओं के माध्यम से साधक अपने जीवन को आनंदमयी बना सकता है? क्या देवी देवताओं की साधनाओं में साधक को अनुभव होते हैं? क्या देवी देवताओं की साधना के माध्यम से साधक अपने प्रश्नों का उत्तर प्राप्त कर सकता है? जी हाँ, आज के इस वीडियो में मैं आप सभी के समक्ष एक ऐसे साधक का अनुभव लेकर आया हूँ जिन्होंने खुद से स्वप्न कर्ण मातंगी साधना की थी और दूसरी बार साधना करने पर किस प्रकार इन साधक को माता का मार्गदर्शन मिला, किस प्रकार इनको माता के माध्यम से इनके प्रश्नों के उत्तर इनको मिले, आज की इस वीडियो में आप खुद से यह देख पाएंगे, सुन पाएंगे। गुरु जी प्रणाम, चरण स्पर्श। गुरु जी, आपने जो मुझे स्वप्न मातंगी का जो विधान दिया था, गुरु जी स्वप्न मातंगी जी की साधना, गुरु जी मैंने वो पहली बार करी थी, 3 दिन मैंने किया गुरु जी उसको, लेकिन गुरु जी उसका रिजल्ट मुझे कुछ भी नहीं मिला। फिर बाद में गुरु जी मैंने कुछ दिन गैप दे के गुप्त नवरात्रि के दिन उसको फिर से शुरुआत की गुरु जी, और उसके पहले ही दिन मुझे गुरु जी ऐसा स्वप्न में माता जी ने दर्शन दिया कि जिस व्यक्ति के लिए मैं वो साधना कर रहा था गुरु जी, तो उस व्यक्ति का पूरा वो घर का चित्र उसने माता जी ने मेरे स्वप्न में दिखाया हुआ गुरु जी। और उसके 4 या 5 दिन के बाद मैं जब उसके गांव चला गया तो गुरु जी जो घर मैंने वो उसका जो स्वप्न में देखा था वैसा ही घर गुरु जी मैं उसके मतलब वही घर निकला गुरु जी वैसा ही। तो गुरु जी मैंने वो जो साधना दोबारा की थी तो उससे मुझे लाभ मिला गुरु जी, लेकिन मैं गुरु जी आगे यही चाहता हूँ कि उससे आगे चलकर मैं उस व्यक्ति या किसी भी बात के लिए मतलब उससे ज़्यादा आगे चल के कुछ एक ऐसी शक्ति प्राप्त करना चाहता गुरु जी कि वो शक्ति जल्द से जल्द मुझसे जुड़कर मेरी समस्या का समाधान करे गुरु जी, निवारण करे। कृपया मार्गदर्शन कीजिए गुरु जी। जी, जैसा कि आपने कहा कि आगे आप माता की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं, माता का मार्गदर्शन प्राप्त आप करना चाहते हैं, तो प्रभु इसके लिए जो गुप्त विधान आपको माता मातंगी का दिया गया था उसी को आप आगे ले जा सकते हैं और इसी के माध्यम से माता का मार्गदर्शन आपको समय समय पर मिलता रहेगा। इसके साथ साथ में एक माता मातंगी का प्रयोग होता है जिसके माध्यम से माता की कृपा सदैव आपके ऊपर रहती है, तो निश्चित रूप से आने वाले समय में मैं ये प्रयोग आप सभी के समक्ष लेकर आऊँगा और आप निश्चित रूप से उस प्रयोग के माध्यम से लाभ प्राप्त कर पाएंगे, उस प्रयोग को कर पाएंगे। इसके साथ साथ में मैं कहना चाहूँगा, बहुत से ऐसे साधक हैं जो कि साधना करते हैं परंतु उनको साधना में सफलता नहीं मिल पाती है। जैसे कि आपने इन साधक का अनुभव सुना कि दूसरी बार साधना करने पर इनको सफलता मिली थी, तो अगर आप भी कोई साधना कर रहे हैं और पहली बार आपको सफलता नहीं मिल पा रही है तो उसमें आप दोबारा से साधना को करने की कोशिश करें, क्योंकि आज के समय में साधकों के पास में इतना समय नहीं रहता कि वह लंबे समय तक साधना में बैठ पाएँ, एकाग्रता वह साधना में लगा पाएँ, क्योंकि हमारा जो जीवन है, जो जीवन हम जी रहे हैं वह अभी साधारण नहीं है, हमारे जीवन में बहुत सी चीज़ें जुड़ चुकी हैं। मैंने ऐसा भी देखा है कि बहुत से साधक यह सोचते हैं क्या मैं जाप कर रहा हूँ तो जाप करते समय
मेरे पास में देवी आएगी या नहीं आएगी, मुझको सफलता मिलेगी या नहीं मिलेगी। देखिए, मन में अगर इस तरह की इच्छा आप रखेंगे कि सफलता मिलेगी या नहीं मिलेगी, तो सफलता आपको किस तरह से मिल पाएगी? जिस भी देवी देवता की साधना आप कर रहे हैं, उस देवी देवता पर, अपने गुरु पर, अपने मार्गदर्शक के ऊपर पूर्ण रूप से आपको भरोसा होना चाहिए, तभी जाकर आपको सफलता मिल पाएगी। आने वाले समय में मैं आप सभी के समक्ष और भी साधकों के अनुभव लेकर आऊँगा, जिससे कि समय समय पर आपको भी इन अनुभवों के माध्यम से आपका मार्गदर्शन होता रहेगा। और मैं सम्मान करता हूँ ऐसे साधक का जिन्होंने दूसरी बार साधना करने पर पूर्ण रूप से शक्ति का मार्गदर्शन, पूर्ण रूप से शक्ति का प्रयोग, पूर्ण रूप से यह सिद्धि प्राप्त की। तो आज के लिए इतना ही। ओम।